हाय दोस्तों, मैं हूं प्रणय और टेक्निकल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, क्या आप भी अपने पीसी में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहते हैं, कि आप भी अपने लैपटॉप को एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन के जैसा यूज करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। और ये जो प्रोसेस मैं आप सबको इस वीडियो में बोलने जा रहा हूँ, वो बहुत ही सिंपल सा एक प्रोसेस है और उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ही इस प्रोसेस के बारे में पहले से ही मालूम होगा। तो ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन लोगों को इस बारे में पता नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने लैपटॉप में ओपन कर लीजिए गूगल क्रोम, और उसके बाद आप चले जाइए इस वेबसाइट पे जो कि मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी इसको प्रोवाइड कर दिया है। तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए गए लिंक में जाइए और उसके बाद इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए जिसका नाम है ब्लू स्टैक्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा इसका कुछ लोगो है। इसको आप डाउनलोड करने के बाद इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए, और इंस्टॉल करने के बाद इसको आप ओपन कीजिए। तो आप इसको इंस्टॉल करके ओपन कीजिए। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है, तो मैं आप इसको ओपन करके मैं आप सबको शो करता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये ओपन हो रहा है, और इसको ओपन होने में थोड़ा सा टाइम ये ले सकते हैं, 40 से 50 सेकेंड के आसपास ये टाइम लेगा। आपके कंप्यूटर के स्पेसिफिकेशन के अनुसार ये टाइम कंज्यूम करेगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि माई एप्स, हेल्प सेंटर, ऐप सेंटर, तीन विंडोज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और ये लोड होते होते मैं आप सबको ये भी बोलना चाहूँगा कि इसको, ये जो ऐप है इसको आप विंडोज़ 7, विंडोज़ 8.1 या फिर विंडोज़ 10, सभी विंडोज़ वर्शन में आप इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर पाएंगे और इस्तेमाल कर पाएंगे। और जो भी आपका जो एंड्रॉयड का गेम्स है, ऐप्स है, सारे ही ऐप्स को आप इस पर चला पाएंगे। तो पूरा ही एंड्रॉयड एक ऐप है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ओपन हो चुका है, और माय ऐप्स में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे मैं आप सबको थोड़े इसके स्पेसिफिकेशंस में आप सबको शो करता हूँ। तो सेटिंग्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टोरेज में अगर आप जाए तो आपको 32 GB का इंटरनल स्टोरेज आपको इसमें देखने को मिल जाता है। तो इंटरनल स्टोरेज तो मुझे लगता नहीं है कि आपको इतना ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर आप बहुत ज़्यादा ऐप्स इसमें इंस्टॉल करते हैं तो इंटरनल स्टोरेज आपका कंज्यूम होगा। और उसके अलावा अगर और सेटिंग्स की बात करो तो यहाँ पे ऐप, साउंड, बहुत सारे सेटिंग जो कि एंड्रॉयड में आपको देखने को मिल जाता है, सेम सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और गेम्स वगैरह भी आप खेल सकते हैं बहुत ही आसानी से, पूरा ही एंड्रॉयड है। इसमें आप फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी आप चलाना चाहें सब कुछ आप यहाँ पे रन कर सकते हैं। और ये जो ऐप है इसको अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो एक फ़ोन के जैसा ये काम करेगा। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि आपका लैपटॉप एक फ़ोन हो जाएगा अगर आप इस ऐप को यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं और ओपन करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो पे मैंने आप सबको जो जो प्रोसेस मैंने बताई आपको आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बोल सकते हैं, और मैं आप सबको डेफिनेटली हेल्प कर दूंगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। We'll be right back.